किरणी जी आ जाओ, हम सब मिलके नारे लगाएंगे। नारे? कौन सा नारे? अरे हमारा तो बस एक ही नारा है। अरे पर कौन सा नारे? यंग जनरेशन का छोटा लोड़ा, जो जो बच्चा है उसका भी हो जाए छोटा लोड़ा। हैशटैग छोटा लोड़ा। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर पर तुमको नाम बताऊं क्या? नीचे नाम लिखा वो पढ़ लो। पहले तो मैं उस लड़की को जवाब देना चाहता हूं जिसने मेरे को इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज किया है। तुम इतने पतले हो, हवा का झोंका आएगा तुम तो उससे उड़ जाओगे। मेरे को अगर अगली बार तुमने दोबारा पतला बोला तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी टांगों पे जो 15 किलो का जो मास चढ़ा हुआ है, जब चलती हो तो टांगों पे खड्डे जो दिखते हैं ना, इतने वाहियात लगते हैं। मैं पतला हूं ना, मैं इतना खुश हूं। मेरे सामने अगर कहीं चोरी वगैरह होती तो मैं एटलीस्ट भाग तो सकता हूं, तुम्हारी तरह वो तो नहीं करता। भैया भैया इंसान फूल रही है, हेल्प कर दो। पतले बंदे को भी बुरा लगता है कोई बोलता, ये मत कहना। इतना बुरा क्या मानना, तुम्हारी तो अच्छा ही है ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम भी खा सकते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम है हम पतले हैं, तुम भैंस जैसी हो। वर्कआउट कितना भी कर लो, टांगों से तुम्हारा मांस नहीं कम होने वाला। बाद में मत कहना कि लड़कियों के लिए तुमने ऐसे कैसे बोला। हाँ मैं बोलूंगा, मेरे को बुरा लगा, मेरे को पतला बोला। मेरे को पहले आप लोग ये बताओ, गुप्त रोग, गुप्त इलाज, गुप्त ज्ञान क्या होता क्या है? वही ना कि जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो जाके पर्सनली कंसर्न कर सके, ना कि पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दो। छोटी लुली वाला भाई, छोटा सा कहीं पे इश्तेहार दो, ऑनलाइन कहीं पे बोलो। पर नहीं, हम तो पूरी रेलवे स्टेशन में पोस्टर लगा देंगे, बस अड्डों में पोस्टर लगा देंगे, कहीं पे नए नए पुल बने उसके ऊपर तो डिजाइनिंग कर देंगे। गुप्त रोगी मिले, सेक्स वाले रोगी मिले, जिनकी लुली नहीं उठ पा रही है वो हमको मिले, जिनके टट्टे 2 से 1 हो गया वो मिले, जो लोग इस प्रॉब्लम में है भी नहीं उनको भी शक हो जाता। यार यहाँ पे लिखा हुआ कहीं मेरे को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बेचारे इतना खुश होते हैं लाइफ से, इनकी डिजाइनिंग वाली दीवारें देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं इस बाबा लोग के पास तो पर्सनली गया था, कंटेंट के लिए तो भाई करना ही पड़ेगा। इन लोग ने क्या किया, मैं इनको बोला कि भाई मेरे को ना सपने का प्रॉब्लम है, मेरे को सपने में बहुत ऐसा कुछ दिखता है, प्रॉब्लम है मेरे को वैसा कुछ। तो भाई साहब बोलते हैं रात को सोने से पहले आप फोन चलाना छोड़ दे, अपने माँ बाप से बात करें, दोस्तों के साथ खेले, मम्मी 8 बजे के बाद बाहर जाने नहीं देती, और गेम्स खेले, रियल गेम्स खेले। अरे मेरे माँ बाप ने 10वीं क्लास करवा के ही मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में भेज दिया था, मैं कौन सी गेम खेलूं, किसके साथ खेलूं, दीवारों के साथ खेलूं? मेरी दादी जिसको चश्मा लगा उसको गेम का नहीं पता होगा, उनको समझाने के लिए मेरे को 3 दिन लग जाएंगे। पापा मेरे लेट रात को काम से आते हैं, उनके साथ मैं खेल नहीं सकता, मम्मी शॉप से लग लेट आती है। मेरी बहन तो खुद इतना थकी हारी आज के ऑफिस से, उसको क्या बोलू, मेरे साथ गेम खेल, वो तो भाई गोली मार देगी सीधा अगर उसके पास गन हो तो। वैसे है नहीं सीरियसली। और ऊपर से उस बंदे ने क्या किया, ये सब बातें करने के बाद चूरन ना दूध के साथ सुबह और रात, और साथ में एक काला शीला जीता है इसको पिया करो, शरीर में गर्मी पैदा होगी। अरे मैं धूप में ना बैठता हूँ 1 घंटा? हाँ जहाँ मेरा शरीर कुछ 35-40 साल चलना है वहाँ पे सिर्फ 10-12 साल चलेगा या 15 साल चलेगा, बाकी शरीर एकदम से ठप। अरे मेरे को ये नहीं पता मैं कल जीने वाला हूँ, परसों जीने वाला हूँ, उसके बाद जीने वाला हूँ कि नहीं जीने वाला। अरे नहीं नहीं शीलाजीत खा लो, आपकी उम्र तो बहुत लंबी हो जाएगी। अबे जिनके लौड़े छोटे हैं उनका वो लंबा करोगे कि नहीं करो? उनकी बीवी को घर में नहीं घुसने दे रही, वो अपनी बीवी को बोले अपने शरीर का मास कम कर जहाँ तक वो चीजें पहुँच पाए। शादी के पहले सब कुछ ठीक था और शादी के बाद आपका कुछ पहुँच नहीं पा रहा है। तुम लोग तो पहले जर प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसर्न किया करो, बाबा हकीम लोग को तो छोड़ दो, बोलेंगे कि देसी दवाइयाँ देंगे। अरे तुम वहाँ जाकर पर्सनली इलाज नहीं ले सकते, तो बस एक चीज बोलेंगे हाँ हाँ पैंट उतारो दिखाओ, वो यही करेंगे। वो पहले तो मजाक उड़ाएंगे आपका, आपको तो इतना गिरा देंगे आपको खुद की नजर से, आपको तो ऐसा लगेगा पैदा ही ना होते तो अच्छा था। अरे जहाँ वो बंदा नंगा नहाया करता था ना तुम्हारी इस बात के बाद, वो बेचारा अब कच्छा पहन के नहाएगा, वो भी ट्रिपल लेयर का। सीधी सी बात है, ये सब चीजें बकवास है। बस एक ही चीज करो, तो अपने दिमाग को सेट करो हर चीज के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखो। ये छोटा लोड़ा बड़ा लोड़ा ये कुछ नहीं है, बस दिमाग को सेट करने की जरूरत। सारा दिन बैठे रहना तो और क्या ही हो, वर्कआउट करो, शरीर को चलाओ। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनको बाबा लोग बोलते हैं कि वहां मंदिर जाओ, अब तुम लोग खुद सोचो जहां तुमने आज तक कभी अपने पैर नहीं चलाए, मोटरसाइकिल से पैर नीचे नहीं रखे, अचानक तुम लोग मंदिर इतना ऊपर चढ़ के जाओगे तो क्या होगा? शरीर चलेगा ना, कैलोरीज बर्न होंगी, मास बने, सेल्स बनेंगे, तब जाके कुछ होगा ना। तो पहले ही दिमाग लगा लो, चलना फिरना शुरू कर दो। कमाल के बंदे हो यार तुम लोग, फिर बाबा लोग के पीछे पड़ जाते, फिर बाद में बाबा को लोगों ही पिटवा देते। हाँ वैसे गलत काम करते तो हैं वो लोग, बस दिमाग को सेट करो अपन। बाकी अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय।